आप तो हमारे पहले चाल से ही घबरा गए। महोदय जी, अभी तो पूरा शतरंज का खेल बाकी है। क्या होगा जीवन में, क्या डरना, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से लड़ सका वही जिंदा है। वेलकम बैक मेरे चैनल चंदन ब्लॉग, जय श्री राम आप सबको। आज की ब्लॉग हमारी स्टार्ट हो रही है 9:10 पे, यानी हम सब कोचिंग से आके स्टार्ट कर रहे हैं ब्लॉग। और हमारी फर्स्ट बैच थी, एक ही बैच थी आज, और कल से हमारी दो बैच हो जाएगी, ढाई घंटे की क्लास हो जाएगी। और अभी फिलहाल सुबह मतलब बारिश वाली माहौल थी, अभी फिलहाल बहुत कड़क सी धूप आई है क्योंकि सुबह बारिश भी हुई है। तो आप सब देख रह सकते हो उधर का फ्लोर भी भींगा वगैरह है, जो फ्लोर दिख रहा है नीचे वो सारा भींगा हुआ है, बट अभी धूप आ गया तो वो सूख जाएगा, पक्की सी बात है। बट हम सब आज बना रहे हैं कटहल की सब्ज़ी। हाँ भाई, कटहल की सब्ज़ी बना रहे हैं सेकेंड टाइम। तो इधर देखो, सेकेंड टाइम बना रहे हैं, इधर आलू कट चुका है और इधर कटहल है, बॉयल करके रख चुका हूँ मैं, और इधर ग्रीन कोरिएंडर, इधर ग्रीन चिल्ली है। तो बस एक सामान नहीं है, क्या जानते हो, टमाटर नहीं है। और ये देखो सेलिब्रेशन की मिठाई, बट इसमें जानते हो कौन सी मिठाई है, ये देखो ये वाली, वो विवाह शादी में जो मिलता है ना, उसको लड्डू बोलते हैं, जैसे लड्डू है। मैंने अपना ही सखा लिया, पार्टनर अपना ही सखाएगा कब पता नहीं, अभी सोए हैं पार्टनर। बट हम सब कोचिंग करके आ गए हैं और खाना बनाते हैं, तो बनाते हैं सेकंड टाइम कटहल की सब्ज़ी, कैसी बनती है तो बताना आप सब कमेंट में, कैसी रेसिपी तैयार होती है हमारी। ये देखो हमारी कटहल की सब्ज़ी बन रही है, और मसाला वगैरह सारा चीज़ भून चुका है हमारा, इसमें सब हम सब डाल चुके हैं, जो डाला जाता है। बट पहले से मैं अच्छा सब्ज़ी बना रहा, क्योंकि प्रैक्टिस करते 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 आदत बन जाती है ना, जैसे प्रैक्टिस करने एम लगाना है तो सेंटर पे ही लगना है, तो सेंटर पे ही लगता है, जैसे वैसे ही प्रैक्टिस करते रहो सकते हो, सब्ज़ी भी अच्छी बनेगी। तो पहले सब बेहतर हो चुका है मेरी सब्ज़ी बनाने की, प्रोटीन नहीं बेसिक टाइप, मतलब अच्छे से हो चुका है, नमक कितना डालना है, मसाला कितना डालना है, ये सब चीज़। तो देखो रूम की कंडीशन देख, अब सब अभी ये हम आमतौर पे क्या सोचते हैं, तो हम ठंड में हैं तो मतलब गर्म खाना खाएं, और गर्म में हैं तो ठंड खाना खाएं, ऐसा क्यों फील होता है भाई? ऐसा इसलिए फील होता है क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर में रहना ढालना सीखती है, तभी उसको अंदर से फील होता है तो हाँ तो तेरे को ऐसा खाना खाना है, तेरे को ऐसे करना है, तो समझ में आता है ऐसे। और फिलहाल गर्म के दिन में गर्म खाना खाना पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा हीट टेम्परेचर खाओगे तो दोनों मिक्स होगा तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा, समझ रहे हो। और ये देखो सब्ज़ी मेरी बनी हुई है, और इधर चावल, चावल गीला बन जा रहा है क्योंकि न्यू चावल लेकर आया हूँ मैं घर से, यानी गांव से, तो मम्मी ने नया चावल दे दिया और पुराना वाला नहीं दी, और हमारे पास पुराना वाला है भी नहीं इसीलिए नहीं दी, खैर मेरे ख्याल से। तो अभी पार्टनर जी उठ चुके हैं और हम जा रहे हैं अभी खाना खाने फिलहाल, और खाना खा के भाई पढ़ाई करना है। और एक बंदा पता नहीं कौन कॉल किया हमारे मोबाइल पे और बोल रहा है मैं आपका सर हूँ, ऐसे वैसे फालतूगिरी कर रहा था, मैंने काट दिया, कुछ सुनाया भी कोटी वोटी, जीवन में क्या है भाई, मजे करो बस। कर मतलब रात में जाग कर ये वाला सफ़र तय किया है कि नहीं, मतलब दिन में सो रहो भर दिन और रात में पढ़ाई करो, ये मतलब बोला जगे रहो, तो हम सब ऐसा नहीं करते, बट कभी कल सो जाते हैं एक घंटा या डेढ़ घंटा, उसके लिए तो क्या अपनी जाएगी, सब हम सब मेंटेन कर लेते हैं ना, इसलिए बोल रहे ऐसे। तो हम सब अभी पढ़ रहे थे, आज पढ़ रहे थे गति के नियम, पढ़ने वाले हैं अभी अभी गति के नियम का हेडिंग भी मैंने लगाया है, तो इसके बाद हम सब गति के नियम पढ़ेंगे। तो आवृत्ति का मात्रक बता दो आप सब क्या होगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, आवृत्ति का मात्रक यानी ऐसा यूनिट बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सबको पता होगा, गूगल चाचा है ना, सारे बता देंगे, या गूगल चाची, आंटी भी बोल सकते, आंटी सही है, मजाक नहीं कर रहा, सही बोल रहा, हम सब जैसे गूगल मौसी कहते हैं अपने को, क्या देखो ये देखो पढ़ो, क्या होगा जीवन में, क्या डरना, कुछ नहीं तो तजुर्बा होगा। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से लड़ सका वही जिंदा है। भाई ये मेरा थॉट है, मेरा विचार अपने से बना कर लिखा हूँ, अगर कोई सोशल मीडिया पे है तो दिखाओ, थोड़ा आप सब स्क्रीनशॉट लेके कमेंट सेक्शन में सेंड हो सकता है, हाँ लगभग हो सकता है, तो आप सब करना सेंड, ठीक है। और ये देखो वर्ल्ड मैप, अच्छा चलो बताओ आप सब, अमेरिका की राजधानी, रशिया की राजधानी और मैक्सिको की राजधानी, तीनों की राजधानी बता के दिखाओ आप सब, ठीक है।
क्या है ना लाइफ में भाई, सब लोग एंट्री मारते हैं, एकदम अचानक से मारते हैं, और अचानक से मारते हैं और अचानक से चले भी जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है उन लोगों के लिए। पहले तो अपने लिए दुख होता है तो मैंने क्या कर दिया, फिर उन लोगों के बारे में सोचना पड़ता है तो वो लोग हमसे बिखर के कैसे होंगे। ठीक भाई, फिलहाल अभी 12:30 हो चुके हैं और काफ़ी रात हो चुकी है, और हम सब कर रहे थे आज बॉयज़ की पढ़ाई। ऐसे तो बॉयज़ पढ़ चुके हैं पहले ही, बट हम सब रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि हम सबको 17 तारीख को पेपर है हम सबका। बट अभी प्लेस मतलब लोकेशन का पता नहीं है कहाँ जाना है हम सबको। अभी एग्ज़ाम 17 तारीख को एयरफोर्स का, तो अभी काफ़ी प्रिपरेशन चल रही है हमारी अच्छे से। उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ सक्सेस मिले हमको, तो चलते हैं। अभी फ़िलहाल रात हो चुकी है काफ़ी और हम जा रहे हैं सोने। और फिलहाल ये देखो झंडू तेल रखा हुआ है इधर, एयरपोर्ट्स का डब्बा रखा हुआ है, और ये पेन वगैरह सारा चीज़ जैसे कि तैसे, और बैग। और कल से मेरा दोनों कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा, यानी कल जाऊंगा 7 बजे आऊंगा 10 बजे लमसम, तो काफ़ी दिक्कत होने वाली है। इसी कारण से आज वीडियो करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।